हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे किचन में बनेगा मिक्स वेज। आज हम सारी सब्जियों को मिला करके फटाफट बिना पानी की वेज बनाएंगे। सब्जी तो बहुत ही अच्छी होती है और इतनी मज़ेदार होती है, आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं और लंच में बनाएं, ब्रेकफास्ट में बनाएं, बहुत टेस्टी लगती है। तो आइए अब हम फटाफट इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सारी सब्जियों को काट लेंगे। ये मैंने आलू, गाजर, मटर, कैबेज, फूल गोभी और प्याज का सागा लिया है और इसमें मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को महीन महीन कट करा है। इसमें हम पेस्ट भी डालेंगे और वो तो हमने एक चम्मच बड़े चम्मच तेल में गरम किया। फिर इसमें मैंने हींग और कसूरी मेथी डाली है। फिर उसके बाद मैंने प्याज और कटा हुआ अदरक, टमाटर, हरी मिर्च और हल्का सा कटी हुई लहसुन भी डाला है। इसको भूनने के बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का थोड़ा पेस्ट भी डाला है, इसे बहुत ही टेस्टी लगेगा। और हम इसमें जगह बना के थोड़ी सी बीच में ऑयल इकट्ठा हो जाएगा तो हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और साथ में हमने इसमें डाला है जीरा और धनिया का रोस्ट किया हुआ पाउडर। ये अक्सर मैं बना के रख लेती हूँ। जब हमारा मसाला अच्छे से हो जाएगा तो उसमें हम इसमें सबसे पहले आलू डालेंगे, क्योंकि आलू हमारे हार्ड होते हैं लेकिन आजकल सर्दियों के आलू बहुत ही टेस्टी होते हैं, भाई मुझे तो बहुत पसंद है। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जब भूनने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा फिर हम इसमें मटर डाल देंगे। अभी हमारे मटर और आलू को अच्छा से हो जाएगा, तब हमारा सॉफ्ट होने लगेगा, फिर उसमें हम गोभी और कटी हुई गाजर डाल देंगे। हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आलू थोड़ा हार्ड रहता है, मटर भी थोड़े से हार्ड होते हैं, इस वजह से थोड़ा ये भुनता रहेगा और बीच बीच में हम डालते रहेंगे। और करीब हमने इसको 5 मिनट अच्छे से पकाया है। उसके बाद देखिए अब हमारी सब्जियाँ सॉफ्ट हो गई है। अब मैंने इसमें डाल दिया है प्याज का सागा। भाई मुझे तो प्याज का सागा चोखे में, सब्जी में, हर चीज़ में बहुत पसंद आता है और आजकल स्टार्टिंग का सागा बहुत ही टेस्टी होता है। अब हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। मुझे तो अभी भी इसको देख के पानी आ रहा है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। और ये देखिए अच्छे से भुन गया है। अब हमने इसको कवर करके रखा था करीब 5 मिनट। ये देखिए हमारे आलू इसमें गल गए हैं। अब हम इसमें पत्ता गोभी ऐड कर देंगे। हम बाद में पत्ता गोभी इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि इससे वो सॉफ्ट होती है तो ज़्यादा मेल्ट सी हो जाएगी, इसलिए हम इसको आलू के गलने के बाद ही इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही टेस्टी रहती है। आप इसमें चाहें तो पनीर के पीसेस को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, या आपको जो भी सब्जियां पसंद है। इसमें मैंने प्याज के सागे के साथ शिमला मिर्च भी थोड़ी सी कट करके डाली थी। ये देखिए हमारी सब्जी, सिर्फ 2-3 मिनट और लगाया हमने और ये हमारी सब्जी कितनी अच्छे से बन के रेडी हो गई है। इसमें हमने थोड़ा सा चाट मसाला और फिर हरी धनिया डाल दिया है लास्ट में। अब इसको हल्का सा भून लेंगे क्योंकि हमारी कैबेज ने थोड़ा सा जो पानी छोड़ा है वो सब उड़ जाएगा और ये हमारी सब्जी रेडी हो गई है। तो ये आज के हमारे लंच में इस सब्जी में हमारी थाली की शोभा बढ़ा दी है। तो बताइए आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।